हेलो एवरीवन, जय माँ समलई। मुई उमाकांत फिर से थोड़े स्वागत करुचे आपण को मोर यूट्यूब चैनल के। तो आज आम आसीचु राजधानी, राजधानी रे समलपुरिया पिला आवे जाऊ खंडगिरी बुलवार लगी। आई पिलाटा बिचरा थकी गले न मुई बाकी निया थके ऊपर के चढ़ला पर केनता हवा कि यहाँ है ओवरब्रिज खंडगिरी रो स्टैमिना बाकी अच्छे नहीं तो क्या हाँ शुभम भाई कौन से नहीं तो कौन स्टैमिना बाकी अच्छे। तो अभी खरा बहुत जोर होमें आम काम सरलु अधा अधूरा अधा जिनटा अच्छे से कल आम कम्प्लीट करमु। तो चलो सांग मैंने सेने पहुँचमा फिर क्या देखमा आम समबलपुर जी बुझमा कि खंडगिरी उदयगिरी केन्ता अच्छे। आज मुई तक गाइड है आपको गाइड दरकार नहीं पड़े स्टे ट्यून। ये जगह एक्चुअली आम खंडगिरीटा जैनिज्म लगी फेमस है। यहाँ है जैनिज्म श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र यहाँ मेन जगह जिन जने जैनिज्म रो ट्रेनिंग करसन उपरे तांकर एटा अच्छे। अच्छा जिते बिल आप आसुचन भाई लेफ्ट साइड टा जिनटा पड़वा से खंडगिरी पहाड़ है, राइट साइड जिनटा है से उदयगिरी पहाड़ है। तो भुवनेश्वर आसुचन बोले डेफिनेटली थोड़े विजिट करबे जगह के। आ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो मंदिर को देने के लिए बाबू अभी हमें पहला स्टार्ट कर छु खंडगिरी पहाड़। आओ ये देखो कि ऊपर बहुत हाइट रे छे आ प्रसिद्ध जैन मंदिर है। आओ ये भी बुद्ध जी का बहुत जगह है, बहुत जगह हां। तो बिहार के जी मां फर्स्ट टाइम और इनर गुटे बढ़िया जिनिस बते दो जे कि जब भी आसुछन मांकड़ मान गले किछि नहीं गिरे आसबे कहीं कि खाना नहीं करनी असले देखुन ये तो बढ़िया खाना दौन बादाम गॉड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड आई गॉट सॉक्ट यार मीटर के ठाई करके आके आवाज ना सीरे जैसी। तो आम जस्ट डिस्कस कर दिलु इने गुटे यू नो ताली केन माने मारसन शुभम। तो आप देखी पार थे यहाँ कि केते बढ़िया मस्त आर्किटेक्ट। आओ आई थिंक वी शुड मूव फ्रॉम दिस साइड राइट मंदिर ऊपर रास्ता ओके ऊपर बहुत गरम लगे एम इन बहुत हेवी लेवल ह्यूमिडिटी। तो यहाँ केव मैंने आने भाई वेट कर बट फेस ओके मैन जाऊ बुलवा टायर नहीं लावर ना तो ये है हमारे चिंटू भाई आई मीन शुभम भाई। इस बंदे के लिए लाइक शेयर जरूर करना भले ही मेरे लिए ना करो। व्हाट अ मार्वेलस कार्विंग प्लेसेस देखमा किसी एक्स्ट्रा अच्छे क्या आस ओके। तो हमें भी फर्स्ट बेस लेवल के अच्छा हमको से ऊपर की जीवार अच्छे जिना मंदिर दिशु तो से साइड रे से ऊपर की जीवार अच्छे। तो चलो जी माँ ओके इट इज दिस डे क्या कहले से दादा बुझी ना आवाज बाकी आम खाली एंजय कर कथा सुनकर बहुत भल लगला जैंटा भी कौन से उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ आईनु ब्यूटीफुल सिटी हम बीबीएसआर पूरा देखा जाए कितने बढ़िया लगे देखो वाओ कैपिटल सिटी। आउटिक ऊपर की जीमा शुभम भाई बहुत स्पीड भागुचन मत लगुच शुभम ओके हे ब्रो स्ट्रेटनिंग बहुत जल्दी आउ ऊपर टी ऊपर के जाऊ छे आउ जो भी
आओ यार बैड लक कि टाइम रे नहीं आसी सकालू जदि आइसले शायद सकाल वेला मंदिर खुला रहसी एबे मंदिर बंद हो एटा जैन मंदिर है डेफिनेटली जगह के विजिट करार कथा वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड एंड ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर भी आता है ना ब्रो एटा इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो यहाँ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे अंडर रे भी आसी जिनटा कि से सर्वे करसन आर्कियोलॉजिक्स डिपार्टमेंट ओके आओ जिन भाई मैंने भी बहन मैंने फ्रेंड्स मैंने वीडियो देखुथे डेफिनेटली टे रिक्वेस्ट करमी कि कमेंट करबे ई विषय रे कि आउ इनर बारे काना काना जानछन आउ एटा खंडगिरी पहाड़ है एतक नुए कहीं मंदिर तो बंद अच्छे बैक साइड जेनटा मंदिर जबार थी आमको मंदिर जी कहीं लक अच्छे ए सकाल बेला शायद खुला रहे से तो टाइमिंग तो एखेन आम नेक्स्ट ट्रिप रहा टुवर्ड्स उदयगिरी हिल से उदयगिरी हिल नहीं जीमा आने काण काण अच्छे टी देखिकी आसमा सब गोटे इम्पोर्टेंट जिनस कि जेनटा आपड़ जब खंडगिरी पहाड़ उपर की जी बोले इन उपर डायरेक्ट एयरपोर्ट देसी भुवनेश्वर एयरपोर्ट एवं देखुते सीन गोटे एरोप्लेन बाहर शायद टेकअप करवा लगे राइट आई वाज राइट कहते छोटा वाला ओहो गुफा मैंने पूरा खाली खाली टा कहना इतने ओ पूरा खाली गुंफा है इतने किसी ना रास्ता सो ये ऊपर जीवा रास्ता है डायरेक्ट डायरेक्ट फिर आउटी जगह है ओ गॉड ये आड़ा सो ये लिखा ही गुंफा नंबर 5 खंडगिरी गुंफा केव नंबर 5 ओके वेरी नाइस स्टोन कार्विंग गुंफा ही इको साउंड बढ़िया हो तो ओ वाओ मोर आवाज सुनु थे सुम इको साउंड हो कण लिखाई जीटा एवं लिखाई अगर नहीं लिखे वाओ ए शंभो ये देखो भाई ये देखो स्क्रप्चर्स स्टोन कार्विंग व्हाट एन आर्ट द मैन मैन चीज तो इधर है रे ब्रो कम मैं जाऊँ पूजा कर इटा भी बहुत पुराना है स्टोन कार्विंग अच्छे इतने देखी पार्थे टे नवमुनि गुंफा नवमुनि माने नौटा मुनि ने बस कर शायद मेडिटेशन करूबे जगह राइट मुझे गोटे फैक्ट बताऊँ जिते बिल्ली क्लास 10 आसी जगह के
ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବ କାହିଁଟା ଯେ ଆମକୁ ଫଟୋ ଖିଚିବା ଲାଗି କହିଲେ ଆଉ ଫଟୋ ନାଇଁ ଖିଚୁତେ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲ ତ ଆମର ପାଖେ ନେଇଥାଏ ବାକି ଫଟୋ ଖିଚିବା ଲାଗି ବହୁତ କ୍ରେଜ ଥିଲା ବାକି ଆମକୁ ଫଟୋ ଖିଚିବାର ବାହାନା କରାହଉଥିଲା ଆଉ ଫଟୋ ଖିଚା ନି ହେଉଥେ କ୍ୟାମେରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରିର ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟର ଲେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଉଦୟଗିରି ଜିମା। କାଁ ବୋଲୁଛ ପ୍ରୋ, ପେସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଅଛେ ଭାଇ, ଏନର୍ଜି ଭରି ଭରି ଟିକେ ହାଇଡ୍ରେଟ ହେମା, ବଡି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଖେନ୍ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ କିଛି ବଗେରା ପିଇବାର ଅଛି, ତାର ପରେ ଫେର ନେକ୍ସଟ ଜିମା ଉଦୟଗିରି।